India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट की अहम फैसला, अदालत ने कहा भारतीय पक्षकार चुन सकते हैं मध्यस्थता के लिए विदेशी सीट। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी, कहा उच्च न्यायालय को हर हाल में देना होगा जमानत, अब फैसले पर कारण, अदालत बच नहीं सकती अपने कर्तव्य से। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को मिली बड़ी राहत, एनकाउंटर की जांच के लिए गठित जस्टिस चौहान कमेटी ने पुलिस को दी क्लीन चिट। दवा की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अख्तियार किया सख्त रुख, कहा अगर जरूरी हो तो सरकार को पेटेंट अधिनियम के तहत दवाओं के अनिवार्य लाइसेंस देने में संकोच नहीं करना चाहिए। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनकाउंटर की जांच के लिए गठित बीएस चौहान कमेटी ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। कमेटी को इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसके बाद यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि एनकाउंटर साजिशन या किसी आपको बता दें कि गंतव्य तरीके से नहीं किया गया था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान समिति ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। समिति को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान समिति ने कई पुलिस कर्मियों से पूछताछ की थी, लेकिन समिति को पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसलिए सबूतों के अभाव में विकास दुबे के एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जस्टिस बीके चौहान ने सरकार को 130 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में हादसे के बारे में पूरी जांच की जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, कमेटी के घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन कर जांच रिपोर्ट बनाई गई। इसके अलावा कमेटी ने वहां आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। विकास दुबे एनकाउंटर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों का एक समिति गठित की थी। इस समिति में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान, डीजीपी केएल गुप्ता और हाई कोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल की समिति का गठन किया था। 2 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही कानपुर के पास पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। विकास दुबे को एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम उज्जैन से कार के जरिए ला रही थी। इस दौरान कानपुर के पास तेज बारिश होने लगी और विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वो पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों का हथियार छीना और भागने की कोशिश की। इसके बाद विकास दुबे ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश भी की। पुलिस ने बताया कि जवानों ने आत्मरक्षा के दौरान विकास दुबे पर गोली चलाई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की सहमति के बावजूद हाईकोर्ट जमानत या इनकार करने के कारण देने के कर्तव्य से बच नहीं सकता। अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट में आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा
439 के तहत हत्या के 6 आरोपियों को जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जनता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि जमानत देने वाली अदालत न्यायिक विवेक लगाने और कारणों को दर्ज करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से बच नहीं सकती, भले ही ये संक्षिप्त हो सकता है, ये तय करने के उद्देश्य से कि वो जमानत देना चाहती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की सहमति के बावजूद उच्च न्यायालय उन कारणों को दर्शाने के कर्तव्य से बच नहीं सकते जिन कारणों से या तो जमानत दी है या जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट की आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा 439 के तहत हत्या के 6 आरोपियों को जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की, जो कथित रूप से 5 हत्याओं में शामिल थे। हाईकोर्ट ने जमानत देने के आदेश में यह दर्ज किया कि संबंधित पक्ष की ओर से पेश किए गए अधिवक्ताओं ने आगे कारणों वाले आदेश के लिए जोर नहीं दिया। इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि जमानत देना एक ऐसा मामला है जो अभियुक्त की स्वतंत्रता, राज्य के हित और अपराध के पीड़ितों को न्यायिक न्याय के उचित प्रशासन में निहित करता है। ये एक अच्छी तरह से तय सिद्धांत है कि निर्धारित किया जाए कि क्या जमानत दी जानी चाहिए। अदालत सीआरपीसी की धारा 439 के तहत एक आवेदन का फैसला करते हुए योग्यता के आधार पर तथ्यों का विस्तृत मूल्यांकन नहीं करेगा, जो कि अभी भी आपराधिक ट्रायल में देखा जाना है। जमानत भी ट्रायल के नतीजे पर बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन जमानत देने वाली अदालत न्यायिक विवेक लगाने और कारणों को दर्ज करने के अपने कर्तव्य के पालन से बच नहीं सकती। सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायिक विवेक के कवायद से जुड़ा मामला है। सवाल ये भी है कि क्या समता के आधार पर जमानत देने का आदेश भविष्य में फैसला करने के लिए मिसाल बन सकता है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय ये कहा कि आदेश को समता के आधार पर किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। इसे खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि हम एकल न्यायाधीश की इस टिप्पणी से नाराज हैं और इसे अस्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अनुबंध में शामिल पक्ष में जो भारतीय नागरिक है या भारत में नियमित कंपनी है, भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक सीट चुन सकते हैं। न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के भारतीय नागरिक होने पर भी भारत के बाहर मध्यस्थता की सीट निर्धारित करने में पक्षकारों की स्वतंत्रता के रास्ते में कुछ नहीं खड़ा है। पीठ ने सवाल पर विचार पीठ अभी कर रखी है और क्या भारत में नियमित दो कंपनियां भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक मंच चुन सकती है। इस मामले में दो कंपनियों के बीच एक अनुबंध दर्ज किया गया था। दोनों को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में निगमित किया गया था। खंड 6 मध्यस्थता खंड में प्रदान किया गया था कि उनके बीच के विवादों को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सुलह और मध्यस्थता के नियम के तहत संदर्भित किया जाएगा और अंत में ज्यूरिख में मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा, जैसा कि अतः कंपनियों के बीच विवाद उत्पन्न हुए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समक्ष मध्यस्थता के लिए इसे संदर्भित किया गया था। दोनों पक्षों में एक ने प्रारंभिक आवेदन दायर किया जिसमें मध्यस्थ के अधिकारों क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई कि दो भारतीय पक्ष मध्यस्थता की एक विदेशी सीट नहीं चुन सकते। इस आपत्ति को मध्यस्थ ने खारिज कर दिया, जिन्होंने कार्रवाई जारी रखी और अंतिम अवार्ड पारित किया। सफल पक्ष ने गुजरात पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 और 49 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई दायर शीर्ष अदालत के समक्ष की गई। कोर्ट ने कहा कि अनुबंध की स्वतंत्रता को जनता के लिए स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान के साथ ही संतुलित करने की आवश्यकता है, भले ही किसी विशेष मामले के तथ्य सार्वजनिक नीति के अच्छी तरह से स्थापित सिरों में निहित सिद्धांतों के भीतर न हो। फिर यही सवाल उठता है कि क्या भारत की सार्वजनिक नीति में ऐसा कुछ है जैसा कि समझा जाता है कि जो दो भारतीय व्यक्तियों के पक्ष में होने के स्वतंत्रता को भारत के बाहर एक तटस्थ मंच पर उनके विवाद का उल्लेख करते हुए मध्यस्थता की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ऑक्सीजन की कमी अभी है तो फौरन फैसले लेने होंगे, आर्थिक हित से ज्यादा मानव जीवन महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए 22 अप्रैल का इंतजार क्यों किया जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्थिक हित मानव जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए इस्पात व पेट्रोलियम उत्पादन में कुछ कमी करने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो सब कुछ ठप हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इस्पात, पेट्रोल और डीजल की क्या जरूरत होगी। बेंच ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान क्या विकास होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए 22 अप्रैल तक का इंतजार क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, कमी अभी है, आपको अभी इंतजाम करना होगा। इस्पात और पेट्रोलियम उद्योगों से कुछ ऑक्सीजन लेने की ओर देखिए, उनके पास बड़े पॉकेट और बड़ी लॉबी है, लेकिन उन्हें बताएं कि अगर उन्हें उत्पादन में कटौती करनी है तो वे उत्पादन में कटौती कर सकते हैं, जीवन को बचाना होगा। बेंच ने कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो हम एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं, लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है, क्या हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बेंच ने उन अस्पतालों में कोविड बेड बढ़ाने का भी सुझाव दिया जिनके पास अपनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उस समय की जब केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल तक की स्थिति के अनुसार मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता में 133% की असामान्य बढ़ोतरी का अनुमान है। दिल्ली की तरफ से बताई गई मांग का प्रारंभिक अनुमान 300 मेट्रिक टन का था, जिसका संशोधित अनुमान बढ़कर 700 मेट्रिक टन हो गया। केंद्र ने हाईकोर्ट को ये जानकारी भी दी कि उसने दिल्ली सरकार के अस्पतालों को करीब 1390 वेंटिलेटर मुहैया करवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड काल में राज्य में दवाइयों की कमी पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में स्थिति दयनीय है, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने कोविड 19 से निपटने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। झारखंड हाईकोर्ट ने आरआईएमएस में सीटी स्कैन मशीन की अनुपलब्धता के मुद्दे पर ध्यान देते हुए झारखंड राज्य में कोविड 19 मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि को संभालने के राज्य सरकार के तरीके पर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए चिंता व्यक्त की, जबकि ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविपिराविर टैबलेट शीर्ष मेडिकल शॉप पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए लोग इन दवाइयों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट की ये टिप्पणी तब आई है जब ये देखा गया है कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य आपातकाल की ओर बढ़ रहा है और सिटी स्कैन मशीन की अनुपलब्धता गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि झारखंड राज्य में बेड और ऑक्सीजन समर्थित बेड की अनुपलब्धता के कारण स्थिति दयनीय है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविपिराविर टैबलेट की कालाबाजारी की जा रही है और डॉक्सीसाइक्लिन, फ्लूगूट, विटामिन सी और जिंक की गोलियां आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित दो मुद्दे उठाए हैं। किस आधार पर दवाइयों की आपूर्ति सिर्फ शीर्ष मेडिकल शॉप को की जा रही है? क्यों केवल शीर्ष मेडिकल शॉप को इन दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है? झारखंड राज्य ने आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए। राज्य अधिकारियों को एक हलफनामा दाखिल करके ये बताना चाहिए कि कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए। ड्रग कंट्रोलर प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित मेडिकल शॉप अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविपिराविर टैबलेट की आपूर्ति का रिकॉर्ड दे। झारखंड राज्य के चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और झारखंड राज्य के ड्रग कंट्रोलर को झारखंड राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविपिराविर टैबलेट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। ऐसी दवाइयों की कमी के समय इन दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसी दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर को शिकायत के अनुसार तत्काल कदम उठाकर समस्या से निपटने के लिए निर्देशित किया गया। झारखंड राज्य के चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई भी व्यापक कार्य योजना नहीं बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। जस्टिस सीएस सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह के डिवीजन बेंच ने कहा कि कोविड 19 महामारी के बीच में ही पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्रदान किए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। बेंच ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य की ओर से अपने नागरिक को पर्याप्त सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफलता विशेष रूप से कोविड 19 महामारी के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। बेंच ने चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। बेंच ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में होने वाली मौतों के बारे में भी गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। यदि इस तरह के आरोप सही है, यह अदालत इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है क्योंकि ये सीधे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण कोविड 19 रोगियों की मौत हो रही है या मौत हुई है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और निश्चित रूप से इस संबंध में उचित आदेश पारित करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग को कोविड समर्पित अस्पतालों और कोविड समर्पित स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ कोविड केयर सेंटर यानी CCCS का बिना बताए दौरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वहां सैनिटाइजेशन और स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है या फिर नहीं। खंडपीठ को सूचित किया गया है कि राज्य के ड्रग कंट्रोलर का पद नियमित आधार पर नहीं भरा गया है और कई सालों से व्यक्ति उक्त पद को एडहॉक के आधार पर अपने पास रखा है। बेंच ने राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक से कहा है कि वे निजी प्रयोगशालाओं में कोविड 19 टेस्ट किट, टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई, पीपीई किट और फेस मास्क के निपटारे करने की प्रक्रिया के बारे में भी अदालत को सूचित करें। जून 2013 से लापता एक 14 वर्षीय लड़की से संबंधित एक मामले से निपटते हुए सिक्किम उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को बच्चों सहित लापता व्यक्तियों के मामले में एसओपी के साथ आने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने आगे ये निर्देश दिया कि एसओपी में जांच अधिकारियों और उनकी टीम द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे जांच अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, अदालत के समक्ष मामला एक लड़की अलका सुबेदी से संबंधित था जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष की थी, जो जून 2013 से लापता थी। विभिन्न अधिकारियों द्वारा जांच की गई और बाद में मामला 19 मार्च 2019 को राज्य सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया। इसे देखते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की। अदालत ने राज्य डीजीपी को 2 सप्ताह के भीतर एसओपी के साथ ही सामने आने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा 19 अप्रैल को अदालत ने देखा कि जिस तरह से अन्वेषण किया गया था वह प्रक्रिया के अनुसार नहीं था। यहां तक कि अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत के सामने कहा कि जांच में कुछ खामियां थी। इसके मद्देनजर राज्य प्राधिकरणों को हर अन्वेषण की जांच करने का फैसला राज्य पर छोड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अन्वेषण को विशेष तौर पर बच्चों को गुमशुदा बच्चों के मामले में अन्वेषण में विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रशिक्षित अन्वेषण अधिकारी द्वारा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप। We'll be right back.